जहां इंग्लैंड के खिलाफ पांचवें टेस्ट के लिए भी केएल राहुल पूरी तरह से फिट नहीं है। 7 मार्च से धर्मशाला में इंग्लैंड के खिलाफ खेली जाने वाली आखिरी टेस्ट में उनके खेलने को लेकर संशय है। किकबस की रिपोर्ट के मुताबिक केएल राहुल इलाज के लिए इंग्लैंड गए हैं। इससे पहले मोहम्मद शमी ने भी अपनी एड़ी का ऑपरेशन लंदन में ही करवाया है। केएल राहुल इंग्लैंड के खिलाफ हैदराबाद में खेले गए पहले टेस्ट के बाद से बाकी के 3 मैचों में नहीं खेले हैं। उन्हें हैदराबाद में खेले गए पहले टेस्ट के दौरान दाहिने क्वाड स्पेस में दर्द हुआ था, जिसके लिए पिछले साल उनकी सर्जरी हुई थी और ऐसा माना जा रहा है कि अभी भी उनको कुछ परेशानी है। वहीं टीम मैनेजमेंट टीम में उनकी दोहरी भूमिका को देखते हुए उनके साथ कोई रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है। दरअसल केएल राहुल ऋषभ पंत के चोटिल होने के बाद वनडे और T20 के साथ ही टेस्ट में भी विकेट कीपिंग की भूमिका निभा रहे हैं और इसी को देखते हुए BCCI ने केएल राहुल के चोट की शिकायत करने के बाद उन्हें दूसरे टेस्ट से आराम दिया गया। माना जा रहा है कि वो राजकोट में होने वाले तीसरे टेस्ट के लिए फिट हो जाएंगे, पर वो चौथे टेस्ट से भी बाहर हो गए हैं और यही कारण है कि BCCI और नेशनल क्रिकेट अकेडमी के प्रबंधकों को उनकी चोट का पुनर्मूल्यांकन करना पड़ा। उन्हें विशेषज्ञ की राय के लिए विदेश भेजा गया है और तब से करीब 1 हफ्ते से उनका इलाज चल रहा है और ऐसी संभावना है कि वो भी लंदन से ही डॉक्टर से सलाह ले रहे हैं। केएल राहुल पिछले साल IPL के दौरान लखनऊ के इकाना स्टेडियम में बेंगलुरु के खिलाफ खेले गए मैच में फील्डिंग के दौरान चोटिल हो गए थे। RCB की पारी के दूसरे ओवर में हाफ टू प्लेसेस का शॉट रोकने के प्रयास में केएल के पैर में चोट लगी थी और तब से मैदान से बाहर चले गए। आखिर में राहुल चोट के बावजूद बैटिंग करने उतरे थे, लेकिन उन्हें रन दौड़ने के समय परेशानी का सामना करना पड़ा था। उन्होंने जून में जर्मनी में अपनी जांघ का सफल ऑपरेशन करवाया था। धर्मशाला में 7 मार्च से सीरीज का 5वां और आखिरी टेस्ट खेले जाना है। टीम इंडिया ने रांची में खेले गए टेस्ट में चौथे मैच में जीत हासिल करने के साथ ही सीरीज पर कब्जा जमा लिया है। भारत 5वां टेस्ट मैचों की सीरीज में 3-1 से बढ़त बना चुकी है। धर्मशाला में होने वाले आखिरी टेस्ट मैच के लिए चौथे मैच में आराम दिए गए तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की वापसी हो सकती है। वहीं आखिरी टेस्ट से कुछ प्लेयर्स को वर्कलोड की वजह से आराम दिया जाएगा। माना जा रहा है 5वें टेस्ट में विराट कोहली की भी वापसी हो सकती है। कोहली अपने दूसरे बच्चे के जन्म को लेकर वो इंग्लैंड के खिलाफ शुरुआती 4 टेस्ट मैचों से बाहर रहे।